हाँ गाइज, मेरे YouTube चैनल टेक्निकल सिस्टम में आपका स्वागत है। आज की वीडियो की मदद से दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं मंत्रा एप्लीकेशंस क्या है और उस एप्लीकेशंस को आप अपने मोबाइल फ़ोन में कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप जान रहे हैं दोस्तों कि हम प्ले स्टोर पर चले जाते हैं और प्ले स्टोर पर जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ सर्च करना है मंत्रा। तो जैसे कि हम यहाँ सर्च कर लेते हैं MAYNTRA। इतना सर्च कर लेने के बाद दोस्तों आपको जो रिजल्ट आपको हमारे मोबाइल स्क्रीन पर देखने के लिए मिलेगा, आपको इस वाली एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर लेना है। और दोस्तों इंस्टॉल कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इसे इंस्टॉल कर लेने के बाद हम आपको बताते हैं इसकी रेटिंग की अगर हम बात करें तो इसकी जो है 4.2 की रेटिंग है और 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है। तो दोस्तों आप जो है इस एप्लीकेशंस को अच्छी तरीके से यूज कैसे कर सकते हैं वो हम आपको वीडियो के आगे में बताएंगे। तो हम यहाँ हो जाते हैं बैक, और बैक हो जाने के बाद मोबाइल की होम स्क्रीन पर से इस एप्लीकेशंस को हम ओपन कर लेते हैं। तो जैसे दोस्तों हम यहाँ ओपन कर लेते हैं तो यहाँ आपको हमारा मोबाइल पे इंटरफेस देखने के लिए मिल रहा होगा। तो दोस्तों हमें जो है सबसे पहले यहाँ लॉगिन हो जाना है, हमने यहाँ लॉगिन पहले ही करके रखे थे तो आपको यहाँ लॉगिन हो जाना है। अब दोस्तों इतना कर देने के बाद ये लोडिंग ले रहा है, हम इसे लोडिंग लेने देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक एंड वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों आप देख रहे हैं टेक्निकल सिस्टम, तो बने रहिए हमारे वीडियो में हमारे साथ, हम आपको आगे का प्रोसेस बताएंगे क्या होगा और कैसे होगा। तो जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये मेरा मंत्रा शॉपिंग एप्लीकेशंस जो है पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। अब जैसा कि आपको यहाँ बहुत सारा ऑप्शंस देखने के लिए मिल रहा होगा दोस्तों, तो हम आपको बताएंगे जैसा कि एक होम, दूसरा कैटेगरी, तीसरा स्टूडियो, चौथा एक्सप्लोर और पाँचवा प्रोफाइल। तो दोस्तों ये सबसे पहले हम ये सब प्रोफाइल पे जो है रिव्यू करेंगे कि क्या होगा और कैसे होगा। प्रोफाइल पे हम दोस्तों टैप कर लेते हैं तो ये लोडिंग ले रहा है, तो हम इसे लोडिंग लेने देते हैं। अब जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम यहाँ लॉगिन नहीं हुए, तो हम यहाँ लॉगिन एंड साइनअप हो जाते हैं। तो हम यहाँ मोबाइल नंबर डाल लेते हैं दोस्तों, हम अपने मोबाइल नंबर से यहाँ साइनअप कर लेते हैं। तो साइनअप कर लेने के बाद दोस्तों अब जो है हमें यहाँ 4 अंक का OTP भेजा जाएगा, जो हमें OTP इस कन्फर्मेशन कोड में डालना है। तो दोस्तों हम OTP यहाँ मेरा आ चुका है। अब देख लीजिए हमें लिंक क्रिएट न्यू का ऑप्शन एक मिल रहा है, तो दोस्तों हम उसे छोड़ देंगे, हम लॉगिन हो गए इतना ही काफ़ी है। तो अब हमें दोस्तों क्या करना है, हम एक्सप्लोर वाले ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं मंत्रा इंसाइडर, मंत्रा लाइव, मंत्रा लिप्स, यहाँ काफ़ी सारा ऑप्शन है दोस्तों जहाँ से कि आप जा सकते हैं। स्टूडियो पे अगर हम आते हैं तो दोस्तों अगर हम देखेंगे स्टूडियो की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से मंत्रा एप्लीकेशंस का जितना भी स्टूडियो है और इसमें क्या क्या फीचर्स है, कैसे होता है, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर नेट स्लो होने की वजह से दोस्तों ये थोड़ा कम स्पीड में काम कर रहा है। हम दोस्तों क्या करेंगे, डायरेक्ट अब हम आपको सिखाने वाले हैं कि आप मंत्रा एप्लीकेशंस के से कैसे ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। हम होम पे आ जाते हैं दोस्तों, और अगर आपको मान लेते हैं आपको कोई सामान लेना है, कोई प्रोडक्ट लेना है, तो आप क्या करेंगे, आप जो भी कैटेगरी का लेना चाहते हो, मेन, वोमेन, किड्स, ब्यूटी, फुटवेयर, होम, जिस भी कैटेगरी का आप लेना पसंद करेंगे दोस्तों, आप सबसे पहले उसे सेलेक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, मेन वाले पे सेलेक्ट कर देते हैं, और मेन वाले पे सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको अब क्या लेना है, टी शर्ट, जीन्स, ट्राउजर, स्पोर्ट्स, कैजुअल, फुटवेयर, सूट्स, कुर्ताज, वैच एंड ट्रैक पैंट्स। तो जैसे कि दोस्तों हम यहाँ सर्च कर लेते हैं टी शर्ट पे। जैसे हम दोस्तों क्लिक करेंगे, अब जो देख लीजिए मेरा आगे का प्रोसेस ओपन होने देते हैं, ये लोडिंग ले रहा है, हम इसे लोडिंग लेने देते हैं। अब देखते हैं इसका आगे का प्रोसेस क्या होता है और किस तरीके से होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बने रहिए हमारे वीडियो में टेक्निकल सिस्टम में। तो जैसा कि दोस्तों आपको हमारे मोबाइल स्क्रीन पे देखने के लिए टी शर्ट सारा प्रोडक्ट देखने के लिए मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि हमें ये वाला टी शर्ट ऑर्डर करना है तो हम इस पे से क्लिक करेंगे, और यहाँ हमें एक दो ऑप्शन आ रहा है, एक विश लिस्ट, एक एड टू बैग। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले एड टू बैग वो ऐसा चीज़ है जहाँ कि मान लीजिए आपको अगर अभी लेने के पैसे नहीं है आपके पास, तो आप क्या करेंगे, इसे एड टू बैग पर क्लिक करके आप इस प्रोडक्ट को सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद आप जब चाहे तब चाहे जब आपका मन करे तब आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अब हम एड टू बैग पे जैसे हम क्लिक कर लेते हैं दोस्तों, तो हम आपको बता देते हैं आपको यहाँ साइज सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो हम यहाँ साइज सेलेक्ट करके डन कर देते हैं। और फिर इतना कर देने के बाद दोस्तों यहाँ देख लीजिए हमारा जो है बैग में ये ऐड हो चुका है। तो अब कैसे हम चेक करेंगे कि हमारा बैग में ऐड हुआ भी है या नहीं हुआ है,
तो आपको राइट साइड में एक कॉर्नर का एक थैली का ऑप्शन मिल रहा होगा, तो हम इस थैली वाली ऑप्शन पे दोस्तों क्लिक कर देंगे। इतना क्लिक कर देने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, आप देख लीजिए हमारा जो प्रोडक्ट हमने यहाँ ऐड करके रखा था वो प्रोडक्ट हमें दिखाई देगा। तो आपको दोस्तों जैसा कि हम आपको हमारे मोबाइल स्क्रीन पर दिखने के लिए मिलेगा कुछ ही देरों में, तो ये थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, हम इसे लोडिंग लेने देते हैं अच्छी तरीके से और यहाँ देखते हैं किस प्रकार से यहाँ ऐड टू बैग में ऐड होता है कोई भी प्रोडक्ट। तो हम यहाँ इसे लोडिंग लेने देते हैं, बने रहिए हमारी वीडियो हमारे साथ टेक्निकल सिस्टम में। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ जो हमारा ये थैली वाला ऑप्शन खुल के पूरी तरीके से ओपन हो चुका है, ये वाला प्रोडक्ट मैंने ओपन किया यानी कि ऐड किया था, तो ये वाला प्रोडक्ट हमारा यहाँ आ चुका है, आप देख सकते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे। अब दोस्तों इतना कर देने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको किसी चीज़ को ऑर्डर करना है तो यह आपका डायरेक्टली ऑर्डर नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको ऐड टू बैग पे जाना है, आपको ऐड कर देना है और ऐड कर देने के बाद दोस्तों आपको यहाँ एक प्लस ऑर्डर का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको उस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ प्लस ऑर्डर पे क्लिक कर दिया, अब आपको यहाँ मोबाइल नंबर डाल देना है, हम यहाँ मोबाइल नंबर भी दोस्तों डाल लेते हैं और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं, और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ हमें 4 अंक का OTP भेजा जाएगा, तो हम उस OTP को आने देते हैं और उस OTP को डाल देते हैं। यह देख लीजिए OTP वेरीफाई भी हो चुका है दोस्तों, अब देख लीजिए किस प्रकार से जो है हमारा यहाँ अकाउंट जो है क्रिएट हो चुका है। तो अब दोस्तों हम आ जाएंगे बैक और देखेंगे किस प्रकार से करते हैं, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे और फिर से जो है दोस्तों हमें यहाँ देख लीजिए प्लेस ऑर्डर पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारा यहाँ दूसरा पेज ओपन हो जा रहा है, हमें टर्म्स ऑफ यूज़ बता रहा है किस प्रकार से हम इस एप्लीकेशंस को टर्म्स और यूज की मदद से आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों जितना भी एप्लीकेशंस होता है टर्म ऑफ कंडीशन सभी एप्लीकेशंस में पाया जाता है, अगर आप टर्म्स ऑफ कंडीशंस को ध्यान में रख के आगे बढ़ते हैं तभी आपका जो है वो एप्लीकेशन सही सलामत आपके मोबाइल फ़ोन में वर्क करता है, अन्यथा कभी नहीं करेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।